अन्न हमारे जीवन का महत्वपूर्ण भाग है। अन्न के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जीने के लिए खाना जरूरी है। जिस प्रकार जल ही जीवन है, इसी प्रकार अन्न में जीवन है। भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में बहुत से लोगों को भरपेट खाना भी नहीं नसीब होता है। भारत में हर साल कितने ही बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। अन्न की कमी के बहुत सारे कारण हैं, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि इसका मुख्य कारण अन्न की बर्बादी है, जो ज़्यादातर उच्च और मध्यम वर्ग के परिवारों में देखा जाता है। अगर हम किसी सार्वजनिक समारोह में जाते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि वहाँ भोजन की बर्बादी हो रही होती है। लोग प्लेट भर के खाना ले लेते हैं और थोड़ा खाकर बाकी भोजन डस्टबिन में डाल देते हैं। ऐसे समारोह में यदि ये सूचना जगह जगह लगा दी जाए कि कृपया भोजन बर्बाद न करें, जितनी भूख हो उतना ही भोजन ले, जिससे अन्न की बर्बादी कम होगी और किसी भूखे का पेट भी भर जाएगा। यहाँ गौर देने वाली बात यह भी है कि हमें सबसे पहले इस मुहिम की शुरुआत अपने घर से ही करनी होगी, ये प्रतिज्ञा करनी होगी। न तो हम और ना ही हमारे बच्चे अन्न का एक भी दाना बर्बाद करेंगे। जिस प्रकार माँ के गर्भ से बच्चे का जन्म होता है, ठीक उसी प्रकार धरती माँ के गर्भ से अन्न का जन्म होता है। इसीलिए हमें उस माँ का सम्मान करते हुए अन्न का एक दाना भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, यदि किसी देश का एक भी नागरिक भूखा सोता है तो वो देश कभी भी उन्नति नहीं कर सकता। जल तो जीवन है ही, पर अन्न में जीवन है। धन्यवाद। जय हिंद।